हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी खैरियत से होंगे। दोस्तों, आपका मेरे चैनल एनटी नेट फ्लॉग अदब में स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल तौफीक एनटी नेट फ्लॉग अदब, गुड इन्फॉर्मेशन फॉर पीएचडी एस्पायरेंट्स, इग्नू पीएचडी एडमिशन सेशन 2021-22 और सब्जेक्ट लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो आइए बिना देर किए हम इग्नू जो है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी जो दिल्ली में है उससे मुतलिक मैं कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर हाजिर हुआ हूँ कि उस पीएचडी एडमिशन के लिए उसने नोटिस जारी किया है। तो आइए हम बिना देर किए शुरुआत करते हैं, उस नोटिस पे हम पहुँचते हैं। सबसे पहले इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जहाँ पे गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे जो भी बच्चे इसमें अगर सिलेक्टेड हो जाते हैं, एडमिशन हो जाता है, तो उनको यूनिवर्सिटी की तरफ से जो भी हैं उनको 8,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे। 8,000 रुपये यूजीसी की तरफ से उनको मिलेंगे और एचआरए 4,000 जिस हिसाब से हैं वो टोटल 10-12 हज़ार रुपये मिलेंगे। और जो एमफिल के बच्चे हैं उनको 5,000 मिलते हैं और एचआरए लेकर के 7,000 के करीब में हो जाता है। तो जो जीआरएफ है, अगर आप चाहते हैं कि हम नेट के मुतालिक जो है नेट से जीआरएफ के इक्विवेलेंट हमको फेलोशिप मिले, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जिस वक्त आप यूजीसी नेट का फॉर्म फिलअप करते हैं उस वक्त एक ऑप्शन आता है कि क्या आप पीएचडी में एडमिटेड हैं, तो उस वक्त आप यस अगर मार दीजिएगा, तो अगर आप पीएचडी में एडमिटेड रहिएगा तो उस वक्त अगर जीआरएफ के आप करीब में रहिएगा, यानी जीआरएफ आपका नहीं हुआ, कुछ परसेंट से आपका जीआरएफ रुक गया, तो जो मोमो है या मौलाना आज़ाद है वो लोग सेलेक्ट करते हैं उन बच्चों को जो पीएचडी में एडमिशन है और नेट क्वालिफाई कर जाते हैं, और जीआरएफ से कुछ नंबर से रुक जाते हैं उन लोगों को वो सेलेक्ट कर देते हैं। और उसमें आपका अगर सिलेक्शन हो जाता है तो आप वो फॉर्म फिलअप कीजिएगा तो आपको 25,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे 2 साल और 28,000 रुपये मिलेंगे पर मंथ 3 साल। ये जो जीआरएफ है उन लोगों को तो 31,000 है 35,000 है। तो बहरहाल हम आइए उस नोटिस की तरफ सबसे पहले चलते हैं। पीएचडी एडमिशन 2021-22 पब्लिक नोटिस, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने इसको एजेंसी ले लिया है। ये जो एग्ज़ाम होगा आपका ऑनलाइन होगा, इसका एंट्रेंस टेस्ट जो बच्चे नेट क्वालिफाई नहीं है, सिंपल एमए किए हुए हैं, वो किसी भी सब्जेक्ट से अगर वो पीएचडी करना चाहते हैं तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो आपको एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा, 100 नंबर का एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा। और जो बच्चे जो है नेट क्वालिफाई है वो एग्जेम्प्टेड में आते हैं, लेकिन उन लोगों को कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी है जो नेट क्वालिफाई बच्चों को भी एंट्रेंस टेस्ट लेती है, तो इसलिए 100 नंबर का एंट्रेंस टेस्ट होगा। तो आपको एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा और जो बच्चे जीआरएफ हैं वो एग्जेम्प्टेड में आते हैं, उन लोगों को अलग फॉर्म फिलअप करना पड़ता है। तो हम सबसे पहले उस नोटिस की तरफ पढ़ते हैं। पब्लिक नोटिस 5 दिसंबर 2021 को ये नोटिस आया है। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू पीएचडी 2021 नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इज इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2021 फॉर एडमिशन टू वेरियस पीएचडी कोर्सेज लिस्ट ऑफ डिसिप्लिन्स द शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन एक्टिविटीज इज एज फॉलो। देखिए, ऑनलाइन सबमिशन जो आप अप्लाई कीजिएगा ये 5-12 से आपका स्टार्ट है और 22-12-2021 तक 5 बजे तक आपको ये फॉर्म अप्लाई करने होंगे। लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन ऑफ फी थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, इसके जरिए आप जो है ऑनलाइन फीस पे कर सकते हैं। ये इसके लास्ट डेट है 23-12-2021 अप टू 11:50 PM, 11:30 PM तक आपको अप्लाई करने होंगे। करेक्शन इन पार्टिकुलर्स ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म ऑन द वेबसाइट ओनली, अगर आपके फॉर्म भरते वक्त कुछ गलती अगर हो जाती है तो उसकी करेक्शन डेट है 24-12-2021 तक से लेके 26-12-2021 तक आप जो है उस फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड फ्रॉम एनटीए वेबसाइट, आप इसका जो एडमिट कार्ड है एंट्रेंस टेस्ट का जो एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कीजिएगा वो एनटीए के साइट से, तो ये है इग्नू NTA.ac.in, ये आपका वेबसाइट है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो है 16 जनवरी 2022 संडे के रोज़ आपका एग्ज़ाम होगा एंट्रेंस टेस्ट का। ड्यूरेशन रहेगा 180 मिनट यानी 3 घंटे,
तीन घंटे के आपके एग्ज़ाम होंगे। टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन 10 से लेके 1 बजे तक आपका टाइमिंग है, 10 से लेके 1 तक, 10 AM to 1 PM। लैंग्वेज है इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज स्पेसिफिक, इंग्लिश में भी रहेंगे हिंदी में भी रहेंगे। वेबसाइट है https://ignu.nta.ac.in, ये आपका वेबसाइट है। द कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू अंडरटेक द करेक्शन इज वेरी केयरफुल्ली एज नो फर्दर चेंज चांस ऑफ करेक्शन विल बी प्रोवाइडेड आफ्टर द अबव मेंशन करेक्शन पीरियड, ये आपका है। देख आपने देख लिया इन्फॉर्मेशन अबाउट द एलिजिबिलिटी स्कीम ऑफ एग्जाम, एग्जाम सेंटर्स, एग्जाम टाइमिंग्स, एग्जाम फी प्रोसीड्यूर, ये और ये डॉट आपका ये है, ये बता दिया गया है, आप इसको देख सकते हैं। फिर उसके बाद हमें है देखिए यहाँ पर किस किस लिस्ट ऑफ डिसिप्लिन्स, एंथ्रोपोलॉजी जो जो सब्जेक्ट है जिस सब्जेक्ट में आपका पीएचडी के लिए नोटिफिकेशन आया है, एंथ्रोपोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है, केमिस्ट्री है, जियोलॉजी है, लाइफ साइंस है, मैथमेटिक्स है, कॉमर्स है, मैनेजमेंट है, एजुकेशन है, वोमेंस स्टडी है, वीमेंस स्टडीज़ है, अच्छा इंटर डिसिप्लिनरी एंड ट्रांस डिसिप्लिनरी स्टडीज़ है, इन्वायरमेंटल साइंस है, टूरिज्म स्टडीज़ है, अच्छा कंप्यूटर साइंस है, लॉ है, नर्सिंग है, ट्रांसलेशन स्टडीज़ है, वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग है, इंग्लिश है, संस्कृत है, उर्दू है, हिंदी है, चाइल्ड डेवलपमेंट है, इन सब सब्जेक्ट में आपका पीएचडी का ये है। उसके बाद आप सिलेबस फॉर डिसिप्लिन ए स्पेसिफिक सिलेबस फॉर एंट्रेंस टेस्ट रिफर टू एन एग्जिट टू, अच्छा मार्किंग स्कीम इच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स, यानी हर क्वेश्चन आपके 4 मार्क्स के होंगे। फॉर इच करेक्ट रिस्पॉन्सेस कैंडिडेट विल गेट 4 मार्क्स, यानी एक क्वेश्चन आप सही कीजिएगा तो आप 4 नंबर पाइएगा। देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अनआंसर्ड या अनअटेम्प्टेड विल बी गिवन 9 मार्क्स, अगर आप किसी क्वेश्चन को छोड़ देते हैं तो आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। अगर आप टच कर लेते हैं, अगर वो सही हो जाता है तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, अगर आपका गलत हो जाता है कुछ मार्क्स नहीं मिलेंगे, अगर आप छोड़ भी देते हैं तो कुछ मार्क्स नहीं मिलेंगे। टू आंसर ए क्वेश्चन द कैंडिडेट नीड्स टू चूज वन ऑप्शन एज करेक्ट, हाँ अगर आपने एक क्वेश्चन एक ऑप्शन में आपने टिक आउट कर दिया है, मार दिया है, आप फिर दूसरे को भी आप, ये तो ऑनलाइन एग्जाम होंगे, बहरहाल ऑनलाइन एग्जाम होंगे, लेकिन आपने एक मारा है, अगर दूसरे में भी मार दिया तो आपको कोई नहीं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर इग्नू पीएचडी, ये क्या है? द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम आर एस फ्लोज, आपको मास्टर डिग्री फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज बाई UGC इन द रिलेवेंट डिसिप्लिन विथ एटलीस्ट 55% फॉर जनरल, 55% फॉर जनरल के लिए है, इन एग्रीगेट फॉर इट्स इक्विवेलेंट, आपके पोर्टल टोटल मार्क्स जो है 55% होने चाहिए, ये जनरल के लिए है, ग्रेड बी इन द UGC 7-point स्केल्स ये है, और 50 मार्क्स है SC ST and OBC नॉन क्रिमिनलियर, 55% जो है जनरल के लिए है, आपके जो मास्टर डिग्री में जो मार्क्स होने चाहिए वो 55% होने चाहिए, और जो है जो OBC है, ST है, SC है, उन लोगों का 50% होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसीजर प्रोसीडर्स है, स्टेज वन एंट्रेंस टेस्ट आपका लिया जाएगा, पहला है द एंट्रेंस टेस्ट विल बी कंडक्टेड बाई NTA एट नेशनल लेवल अक्रॉस द कंट्री, यानी पूरे कंट्री में आपका होगा, ऑल ओवर इंडिया के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आपका सेंटर आप ही के स्टेट में दे सकता है ये। नो सेपरेट कम्युनिकेशन शैल बी सेंड टू कैंडिडेट्स इन दिस रिगार्ड, द हॉल टिकट इनेबलिंग द कैंडिडेट्स टू टेक द एंट्रेंस टेस्ट विल ऑल्सो बी डिस्प्लेड ऑन NTA वेबसाइट, यानी आपका एंट्रेंस टेस्ट से पहले एक हॉल टिकट आपको जारी किया जाएगा, आप उसको ले करके जा सकते हैं। अच्छा हॉल टिकट है वो जो NTA के वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग विद देम ऑन ओरिजिनल आइडेंटिटी प्रूफ हैविंग फोटोग्राफ, यानी आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट एंड आईडी कार्ड इशूड बाई गवर्नमेंट एजेंसी। दोज हु सिक्योर्स एटलीस्ट 55% मार्क्स इन द एंट्रेंस टेस्ट या 45 मार्क्स इन केस OBC अगर है, आपको 50% मार्क्स लाने होंगे। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एंड डेट्स एट ए ग्लेंस आप देख सकते हैं।
5 दिसंबर को ये नोटिस जारी किया गया है और 22 दिसंबर लास्ट डेट है और फीस जमा करने की आखिरी तारीख है 23 दिसंबर 2021। अब तो 11:30 तक आप जमा कर सकते हैं। आपका जनरल के लिए फीस है 1000 रुपये और जो एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी या थर्ड जनरल जेंडर हैं उन लोगों के लिए 800 रुपये रखे गए हैं। यानी जो जनरल हैं या ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर हैं या जनरल ईडब्ल्यूएस हैं उन लोगों के लिए 1000 रुपये फीस है और जो एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी या थर्ड जेंडर हैं उन लोगों के लिए 800 रुपये हैं। अप्लीकेबल सर्विस प्रोसेसिंग चार्ज ये सब लेकर के आपका जीएसटी वगैरह लेकर के। करेक्शन इन द पार्टिकुलर्स ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन ओनली 24 से 26 दिसंबर तक आपको करेक्शन कर सकते हैं। 24 से लेकर 26 दिसंबर तक टू बी अनाउंस्ड लेटर थ्रू एनटीए वेबसाइट पे आपका होगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन एक बार देख लीजिए, 16 जनवरी 2022 संडे के रोज आपका एग्जाम होगा और घंटे का एग्जाम होगा, 180 मिनट्स आपको दिए जाएंगे और वो जो टाइमिंग है 10 से लेकर 1 बजे तक यानी 10 AM to 1 PM। एग्जाम सेंटर डेट्स एंड शिप ऑफ एग्जामिनेशन एंड एज इंडिकेटेड ऑन द एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड पे आपका मेंशन किया रहेगा कि आपका किस शिफ्ट में एग्जाम है, कब है एग्जाम, ये आपका दिया रहेगा। लेकिन एक ही टाइमिंग तो एक ही दिया गया है, कोई शिफ्ट दिया नहीं गया है, 10 से 1 ही टाइम में सबका एग्जाम होगा। डिस्प्ले ऑफ क्वेश्चन recorded responses and provisional answer keys on the website for inviting challenges from interested candidate। यानी आपके वेबसाइट NTA का जो वेबसाइट है वहीं पर आपका क्वेश्चन डिस्प्ले होगा। ये एग्जाम ऑनलाइन होगा, याद रखिएगा ऑनलाइन एग्जाम होगा। declaration of result on NTA website, आपका रिजल्ट भी ऑनलाइन ही आपको देखने होंगे जो आपके वेबसाइट पे NTA के वेबसाइट पे शो करेगा। वेबसाइट है www.nta.ac.in और एक है https://ignu.nta.ac.in। शेड्यूल फॉर इंटरव्यू एंड फाइनल सिलेक्शन टू बी अनाउंस बाय द इग्नू आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। रिजल्ट के बाद आपको सिलेक्शन इंटरव्यू के लिए शेड्यूल डाल किया जाएगा और फाइनल सिलेक्शन होगा। ये आप देख सकते हैं ये सब। ऑनलाइन आपको अप्लाई करने होंगे और ऑनलाइन ही आपका एग्जाम भी होगा, याद रखिएगा। देखिए इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे आपको करना है। डाउनलोडिंग इंफॉर्मेशन बुलेटिन एंड रेप्लिका ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, रीड दिस केयरफुली टू इंश्योर योर एलिजिबिलिटी। फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो टू अप्लाई ऑनलाइन। स्टेप वन, अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यूजिंग ऑन ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर से आप एप्लीकेशन नंबर लॉगिन कीजिएगा। ये आप जो है रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, उसका फिल इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड नोट डाउन द सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर। उसका स्टेप थ्री है अपलोड स्कैन इमेज ऑफ ए रिसेंट फोटोग्राफ, फाइल साइज 10 KB से 200 KB, आइदर इन कलर या ब्लैक एंड वाइट, 80% फेस विदाउट मास्क विजिबल इंक्लूडिंग ईयर्स अगेंस्ट वाइट ब्लैक बोर्ड कैंडिडेट सिग्नेचर। आपको फिर उसका सिग्नेचर अपना करना है, सिग्नेचर आपको। उसके बाद पे फी यूजिंग द पेमेंट गेटवे, आप जो है पेमेंट कर सकते हैं एप्लीकेशन थ्रू नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI एंड कीप प्रूफ ऑफ द फी पेड। ऑल द 4 स्टेप्स कैन बी डन टूडे टूगेदर एट ए सेपरेट टाइमिंग्स, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद है सिलेबस जो है फॉर डिसिप्लिन स्पेसिफिक सिलेबस फॉर एंट्रेंस टेस्ट प्लीज अपटर टू एनेक्सर 2 में देख सकते हैं सिलेबस। अच्छा, 3 मार्किंग स्कीम, यह आपने मैंने बता दिया कि इस क्वेश्चन 4 मार्क्स के होंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी मैंने बता दिया कि आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। मास्टर डिग्री में आपके 50% होना चाहिए और इसमें नेट जो है वो भी भर सकते हैं, जिनका GRF है वो भी अप्लाई कर सकते हैं और जिनका मास्टर डिग्री है वो भी अप्लाई कर सकते हैं।
सिर्फ ओनली नेट वालों के लिए नहीं है, बल्कि सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। जिनका मास्टर डिग्री कंप्लीट है वही अप्लाई कर पाएंगे। सेलेक्शन प्रोसीजर ये आपका बता दिया कि जो एंट्रेंस टेस्ट में आपको 50% नंबर लाने होंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा इंटरव्यू के लिए, वाइवा के लिए। उसके बाद आप देखिए, उसके बाद है इंटरव्यू प्रेजेंटेशन। आपको इंटरव्यू के लिए आपको 6 से 7 पेजेस या कम से कम 6 से 7 पेजेस और ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 पेजेस का आपको सिनॉप्सिस तैयार करना होगा। सिनॉप्सिस जिसको मजवजा उर्दू में कहते हैं, सिनॉप्सिस 6 से 7 पेजेस जिस टॉपिक पे आप पीएचडी करना चाहते हैं, अपना थेसिस लिखना चाहते हैं, उस टॉपिक पे आपको 6 से 7 पेज मिनिमम और मैक्सिमम 10 से 12 पेजेस के आपको एक सिनॉप्सिस तैयार करना होगा वाइवा के लिए। जो फाइनल आप इंट्रेंस टेस्ट जब कंप्लीट कर जाते हैं, कर देते हैं, पास कर जाते हैं, क्वालिफाई कर जाते हैं, तो आपको 6 से 7 पेजेस कम मिनिमम और मैक्सिमम 10 से 12 पेजेस के आपको एक सिनॉप्सिस तैयार करने होंगे किसी भी टॉपिक पे, जिस पे आपको फिक्शन पे करना है, पोएट्री पे करना है, प्रोज पे करना है, जिस पे आपको करने का इंटरेस्ट है आप उस पे कर सकते हैं। जो भी टॉपिक, जो भी आपका सब्जेक्ट है, जिस टॉपिक पे आपको इंटरेस्ट है, तो 6 से 7 पेजेस का आपको सिनॉप्सिस तैयार करने होंगे। ये स्टेप 2 है। पहला स्टेप है आपका इंट्रेंस टेस्ट, जो आपके होंगे एक क्वेश्चन 4 नंबर के, 3 घंटे के एग्जाम होंगे, और दूसरा आपका 50% उसमें मार्क्स लाना जरूरी है, 3 घंटे के एग्जाम होंगे। एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, एक क्वेश्चन सही कीजिएगा 4 नंबर आपको मिलेंगे, 3 घंटे के एग्जाम होंगे 10 से 1। और दूसरा स्टेप है आपका सिलेक्शन का, वह है इंटरव्यू है, प्रेजेंटेशन है। ये अच्छा, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स इन द एंट्रेंस टेस्ट विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू प्रेजेंटेशन ऑफ सिनॉप्सिस बिफोर द डिसिप्लिन स्पेसिफिक डॉक्टर रिसर्च कमेटी। अदर लेटर्स फॉर एडमिशन विल बी सेंड टू द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स ओनली। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जिस टॉपिक पे आप जो है सिनॉप्सिस तैयार कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड आपको अच्छे तरीके से मुकम्मल जानकारी हासिल कर लीजिएगा, ताकि आप इंटरव्यू के दरमियान में ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं कि आपने किस टॉपिक पे आपने सिनॉप्सिस तैयार किया है, तो उस टॉपिक से रिलेटेड आपसे सवाल पूछे जाएंगे। सबसे फर्स्ट जो पहला सवाल इंटरव्यू बोर्ड में पूछा जाता है वो है कि आप जो है पीएचडी क्यों करना चाहते हैं। पहला सवाल, पीएचडी क्यों करना चाहते हैं, आप पीएचडी कर क्या कर बना। तो आप अगर बोलिएगा कि मैं प्रोफेसर बनना चाहता हूं, तो ये गलत जवाब हो जाएगा। आप पीएचडी क्यों, पीएचडी करने का मतलब है कि मैं पीएचडी इस वजह से करना चाहता हूं कि मैं उर्दू अदब में या जिस सब्जेक्ट में, इस सब्जेक्ट में मैं माहिर बनना चाहता हूं और इसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसकी खिदमत करना चाहता हूं, ये है उसका। रिजर्वेशन जो है, इन द केस ऑफ इंस्टीट्यूट रन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट द रिजर्वेशन वुड बी एप्लीकेबल एज मेंशन बिलो। इतना 50% ऑफ दिस सीट शेड्यूल कास्ट एससी कैंडिडेट के लिए है, 7.5% सीट्स ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स एसटी कैंडिडेट के लिए है, 70% सीट्स फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस ओबीसी एंड नॉन क्रिमिनल और कैंडिडेट्स एज पर द सेंट्रल लिस्ट, 10% सीट ऑफ द जनरल इकोनॉमिकली वीकर सिलेक्शन जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए है 10%, और पर्संस विद डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूडी विद 40% या मोर डिसेबिलिटी। अच्छा, इस कैटेगरी विल बी हैव 5% रिजर्वेशन फॉर द कैंडिडेट्स विद 40% या मोर डिसेबिलिटी एज डिफाइंड इन सेक्शन 2 आर एन जेड सी ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। या आप देख सकते हैं, इन द केस ऑफ इंस्टीट्यूट रन एडेड रिकॉग्नाइज बाई स्टेट गवर्नमेंट द रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट शैल बी अप्लीकेबल। ये नोट दिए गए हैं, आप जो इसको देख सकते हैं नोट। उसके बाद हम लोग जो है यहाँ पर देखिए, यह आपका सब्जेक्ट है, सबसे चाइल्ड डेवलपमेंट 5%, फर्स्ट पेपर से भी कुछ क्वेश्चन होंगे, उसके बाद उर्दू का ये सिलेबस आप देख सकते हैं जो आपका है, उर्दू ज़बान व अदब की तारीख जिसमें दक्कन है, शुमाली हिंद है, उसके बाद नस्ली इसनाफ में गैर अफसानी इसनाफ खतूत है, इंसाइया है, यह आप देख सकते हैं दो नंबर।
उसके बाद आप देख सकते हैं तीन नंबर है खाका है, रपुताज है, उसके बाद अफसानी स्नाप में है, दास्तान है, नावेल है, अफसाना है, ड्रामा है। शेरी स्नाप में गज़ल है, कसीदा है, मसनवी है, मरसिया है, नज़्म है। तंकीद में हयाती तंकीद है, जमालियाती तंकीद है, मार्कसी तंकीद है, लिसानियाती तंकीद है। तहकीक में मौलाना इम्तियाज़ अली अर्शी खान अर्शी के बारे में आपको पढ़ना होगा, काजी अब्दुल वदूद के बारे में पढ़ना होगा, रशीद हसन खान के बारे में पढ़ना होगा, मालिक राम के बारे में पढ़ना होगा, हनीफ नकवी के बारे में पढ़ना होगा। अदबी तहरीकों और रुझानात, जिसमें अलीगढ़ तहरीक है, तरक्की पसंद तहरीक है, हल्का अरबाब ज़ौक़ है, जदीदियत है, ये सब के बारे में आपको पढ़ना होगा। नोट, ये दाखिला जाति पर्चा 100 नंबर पर मुस्तमिल होगा। इसमें कुल 12 सवालात होंगे, जिसमें से 10 सवालात के जवाबात देना लाजमी होगा। तमाम सवालों के नंबर मसावी होंगे, यानी ये दाखिला जाति पर्चा 100 नंबर पर मुस्तमिल होगा। 100 नंबर पर इसमें से कुल 12 सवालात होंगे, जिसमें से 10 सवालात के जवाबात देना लाजमी होगा। तमाम सवालों के नंबर मसावी होंगे। द सिलेबस विल बी कंसिस्टिंग ऑफ 100 मार्क्स। इट विल हैव ए टोटल ऑफ 12 क्वेश्चंस, आउट ऑफ दी विच 10 क्वेश्चंस मस्ट बी आंसर्ड। आंसर्ड ऑल क्वेश्चन मार्क्स विल बी ऑफ इक्वल मार्क्स। यह हमने सिलेबस भी दिखा दिया आपका, ये किसमें कितना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ फॉर इग्नू PhD 2021, ये आपके किस में कितने सीट हैं ये आप देख सकते हैं। उर्दू का देख सकते हैं आप, उर्दू में जनरल में 8 सीट है, SC में 2, ST में 1, OBC में 4, EWS में 1, टोटल 8 सीट है जनरल में। 8 सीट है जनरल में, SC में 2 है, ST में 1 है, OBC में 4 है, EWS में 1 है, यानी टोटल 16 सीट है उर्दू में। उसको चाइल्ड डेवलपमेंट में है, जनरल में 3 है, SC में 0 है, ST में 0 है, OBC में 1 है, EWS में 0 है, टोटल इन 4 सीट है चाइल्ड डेवलपमेंट में, ये आप देख सकते हैं। अब आइए आपका एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ कहाँ आपका एग्जामिनेशन सेंटर है, तो लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सिटीज़ फॉर इग्नू PhD इंट्रेंस एग्जामिनेशन 2021। इंट्रेंस टेस्ट आपका कहाँ कहाँ किस सिटी में होगा, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम सिटी है, ये आपका सिटी कोड है। अरुणाचल प्रदेश में नाहरलगुन है, उसके बाद असम में गुवाहाटी है, बिहार में पटना है, चंडीगढ़ में चंडीगढ़ है, छत्तीसगढ़ में रायपुर है, दिल्ली में न्यू दिल्ली है, गोवा में पणजी है, गुजरात में अहमदाबाद है, हरियाणा में कुरुक्षेत्र है, हिमाचल प्रदेश में शिमला है, जम्मू एंड कश्मीर में जम्मू है, जम्मू एंड कश्मीर में श्रीनगर है, झारखंड में रांची है, कर्नाटक में बेंगलुरु है, केरला में कोझिकोड है, लद्दाख में लेह है, मध्य प्रदेश में भोपाल है, महाराष्ट्र में मुंबई है, मणिपुर में इम्फाल है, मेघालय में शिलोंग है, मिजोरम में ऐजवाल, नागालैंड में कोहिमा है, उड़ीसा में भुवनेश्वर है, राजस्थान में अजमेर है, तमिलनाडु में चेन्नई है, तेलंगाना में हैदराबाद है, उत्तर प्रदेश में लखनऊ है, उत्तराखंड में देहरादून है, वेस्ट बंगाल में कोलकाता है। ये आपके एग्जामिनेशन सेंटर हैं जो आपको देखने होंगे। एक बार आओ, एक बार रिपीट कर लीजिए, आप देख लीजिए।
तो ये पूरे पीएचडी का इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड आपका पूरा इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, उम्मीद करता हूँ कि ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल पाई होगी। अगर किसी तरह का क्वेरी हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मेरा जो है कॉलिंग नंबर है 7003875। तो दोस्तों मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आज के लिए इजाज़त दीजिए अपने दोस्त तौफीक अंसारी को। अल्लाह हाफिज़।